पठानकोट जिला कांग्रेस कमेटी के लोग किसानों को साथ लेकर अश्विनी शर्मा के घर का घेराव करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सांसद सनी देओल के पुतले भी जलाए। कांग्रेसी लीडर और किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार किसान विरोधी बिल लेकर आई है, जिसको राज्यसभा और लोकसभा में पास भी कर दिया गया है। पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और सांसद सनी देओल द्वारा इस बिल का समर्थन किया गया है, जिसके विरोध में वह आज अश्विनी शर्मा के घर का घेराव करने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि यह बिल किसान विरोधी है और इसमें से केवल कॉरपोरेट घरानों को ही फायदा मिलेगा, जबकि किसान दिन ब दिन दबता चला जाएगा। कांग्रेसियों द्वारा सांसद सनी देओल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी अश्विनी शर्मा के घर के बाहर जलाए गए। किसानों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार के नुमाइंदे यह कहते हैं कि यह ऑर्डिनेंस किसानों के हक में है, तो किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर क्यों है। किसानों ने कहा कि यह बिल किसान विरोधी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा और प्राइवेट घरानों को इसका फायदा मिलेगा। कांग्रेसी लीडरों ने कहा कि सनी देओल को हर वर्ग ने वोट डालकर यहां से सांसद चुना है। अश्विनी शर्मा के साथ साथ सनी देओल भी इन किसान विरोधी बिलों के समर्थन में खड़े हैं, जिसको किसान वर्ग कभी भी सहन नहीं करेगा। नेशनल 18 के लिए पठानकोट से कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। साडे को रस्ता ही कोई नहीं बचा, जेड़ा इन्होंने काला कानून किसान विरोधी जेड़ा सेंटर विच पास किया, उसकी जी हिमायत है साडे लोकल लीडर अश्विनी शर्मा सनी देओल, जिन्होंने अं बड़े चावान ना वोटा पाई सी, उन्होंने बिल दस्ते समर्थन किया। यह काला कानून जिहड़ा किसान विरोधी कानून है, असी सारे इस कानून का विरोध करने लिए अज अश्विनी शर्मा जी की कोठी आए हैं। ये बीजेपी के पंजाब के प्रधान है, ये पंजाब का मसला है, पंजाब के किसानी का मसला है। अज इन्होंने अं पूछ आए हैं भी तुम पंजाब के किसानों खड़े हो कि कारपोरेट घराने खड़े हो। सिर्फ दो गल जवाब चाहिए, दूजा अं जरा सनी देओल है जिन्हों सिर्फ किसान मजदूर तो छोटे वर्ग ने उन्हें वोट पा के जिताया से, असी उन्होंने भी पूछने कि तू जरा बिल पास किया, तू पंजाब वड़ के दिखा दोबारा। अज अं मोदी का तो सनी देओल का इतने पुतला फूकेंगे, तो अज तो कोई जवाब लग जाएंगे। अश्विनी शर्मा उन्होंने बाहर आ के जवाब दे भी यह कि खड़े ने, किसानों खड़े कारपोरेट घराने खड़े, सिर्फ एक जवाब मंगना। जी बीजेपी ने जो ऑर्डिनेंस पास किया एक किसान मारू ऑर्डिनेंस है, इस गल कोई ना आड़ती बजना ना अही लोगों ने बजना, इस वास्ते सानू चाहे एक दिन चाहे दस दिन चाहे सौ दिन भी धरना लाना पाया, आपां लाना एक कानून वापस कराना ही कराना। मैं एरना कोई घर नहीं बजना, किसान पैसे कमाते ही कोई बाजार से पैसे खर्चते सी, कोई कपड़ा तेला करियाना का कोई मनियारी समान, हुण लोगों को पैसे लेने 1900 1950 रुपये गवर्नमेंट ने कणक बेची, अज मार्केट से 1700 रुपये कणक आ गई है, ऐसे एक खौफ के नाल ही अज ओपन मार्केट से 1700 रुपया कणक का भाव है, 1950 रुपया पहले उन्होंने लई है, तो 1700 रुपये से यह पहले दिन जिंदा आवाज आई है ये काम हो गया, जो ये काम ही ओपन हो गया उस दिन मैं 1200-1300 प्रधानमंत्री जुमले सारा हिंदुस्तान जानता है की वेचता पै BCPA BPCL वाले ने बेचती है, रेलवे इन्हें बेचती, LIC इन्हें बेचती, एयरवेज है बेचती, इन्हें छड़ना की देखता, एर अपना कुछ है नहीं, इन्हें लोगों का कोई रहन नहीं देना इन्हें। जी असी बिल्कुल पार्टी के नाल ही किसानी के नाल, मैं जाट सभा का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रधान होने के नाते अज सानू किसानी नाल खड़ा होना पै रहा, इस करके भी जिहड़ा काला कानून नरेंद्र मोदी ने किसानी के खिलाफ और खास करके मजदूरों के खिलाफ बनाया वा, बहुत ही एक किसानी का कतल है, किसानी का कतल किया गया, मजदूरों का कतल किया गया। असी यो मंग करते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए, और जिन्ना चिर कानून को वापस नहीं लेंदे इस काले कानून को, असी बिल्कुल किसानों के नाल खड़े हैं, और जिन्ना भी सानू धरने लाने पैन जिते जिते भी सानू खड़ा होना पेगा, असी अपनी किसानी के नाल खड़े हैं, मजदूरों के नाल खड़े हैं, और डट के इस काले कानून का विरोध करांगे, और आने वाले समय च भी असी जिते जिते भी सानू चाहे पंजाब चाहे दिल्ली भी जाना पेगा उत्थे भी जाने, असं अपनी जाट सभा वालों सारे पार्टी नाल भी तैयार हैं और वैसे भी तैयार हैं, क्योंकि असं किसानी नाल खड़े हैं, अच्छ पार्टी का मुद्दा नहीं लैके चले, अच्छे अं किसान के किसान के पुत्र हैं, किसान के नाल खड़े। अगर ये जेडे ऑर्डिनेंस है ये किसानों के हक च ने, तो फिर किसान जेड़े आ सड़कों पर क्यों उतरे पे है, हरियाणा में देख लो यही कुछ हो रहा, पंजाब में यही कुछ हो रहा, आज जो किसान नहीं है जेड़ा पहला किसान अनपढ़ सीगा, आज किसान जेड़ा है अपनी मेहनत करके अपने बच्चियां नू जेड़ा है वो वधिया स्कूलिंग वधिया कॉलेज दे के वधिया पढ़ाई लिखाई करके और वधिया किसानी कर रहा, और आज वो नहीं हैगा भी कोई अनपढ़ किसान है उन्हूं तुसी जो रूल थोप दोगे वो मान लेगा, आज सारे पढ़े लिखे किसान है और सबनों पता है कि साढ़े नाल चंगा हो रहा की माड़ा हो रहा जी। बिल्कुल।
संजीवनी आयुर्वेदिक क्लिनिक पठानकोट के डॉक्टर मनदीप शर्मा द्वारा सभी पुराने रोगों का आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज। आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा कैंसर, जिगर, पीलिया, पथरी, चर्म रोग, पेट के रोग, बवासीर, भंगदर, फिशर, मुंह के दाग, कालापन, जोड़ों के दर्द, अस्थमा, एलर्जी, पुराना बुखार, ल्यूकोरिया, मूत्रपथ के संक्रमण, थायराइड, पीरियड संबंधी समस्याएं एवं अन्य रोगों का इलाज किया जाता है। संपर्क करें उत्तम गार्डन कॉलोनी मनवाल अपोजिट पटवारी ऑफिस पठानकोट।